एक्चुअली आज हम लोग का काफी ज्यादा कंफ्यूजन, एक्चुअली कंफ्यूजन नहीं, ये क्या है, हम लोग फर्स्ट आए हैं और अरुणाचल एक इतना बड़ा स्टेट है, आप काफी जगहों से इसको एंट्री कर सकते। 1988 में श्री राजीव गांधी जी ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी ने 1988 में इस ब्रिज को इनॉग्रेट किया था। बहुत कम है, लो फ्यूल दिखा रहा है, तो आगे में देखना पड़ेगा फ्यूल पंप कहाँ पे है, तो फ्यूल भराना पड़ेगा। अभी सिर्फ 66 किलोमीटर ही जा सकते हैं और हम लोग का डेस्टिनेशन लगभग 350 किलोमीटर के आसपास होगा, तो यहाँ से पेट्रोल भरा के जाना पड़ेगा, डीजल भरा के बस जाना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, तो अभी हम लोग जस्ट कोलियाभमरा ब्रिज में खड़े हुए हैं, मतलब लाइक जा रहे हैं कोलियाभमरा ब्रिज। तो देखिए, एक ब्यूटी ऑफ नेचर शुरू हो गया है। ये हम लोग अभी जिस ब्रिज से आ रहे हैं, ये नया बनने वाला ब्रिज है, कुछ ही साल पहले बना हुआ है। और ये जो ब्रिज है साइड में, मेरा राइट साइड में, ये हम लोगों ने बचपन से देख के आया हुआ है। तो काफ़ी सालों के बाद या महीनों के बाद, मुझे तो एग्जैक्टली पता नहीं, आई थिंक महीना काफ़ी हो गया है, साल होने वाला है, बहुत समय के बाद इस रूट में आया हूँ जो तेजपुर वाला हाईवे है। तो अभी रूट का कंडीशन काफ़ी अच्छा हो गया है, तो आप जो भी टूरिस्ट, मतलब हम लोग का तेजपुर में जो अग्निगढ़, ये सब कुछ जो आपका हिस्टोरिकल प्लेसेस है, वो चीज़ देखते आने के लिए काफ़ी अच्छा हो गया है रास्ता। अगर कुछ दिन पहले तक शायद अंडर कंस्ट्रक्शन था, अभी भी कुछ कुछ जगह में शायद आगे मिलेगा, मुझे पता नहीं, बट अभी तक मैंने जितना जगह कवर, मतलब आया हूँ कोलियाभमरा ब्रिज से लेके इस तरफ, कोलियाभमरा तिनियाली से यहाँ तक काफ़ी अच्छा रास्ता मिला है मुझे। हम लोग लगभग एक जगह है, इस जगह का नाम एग्जैक्टली क्या था मुझे पता नहीं, उस साइड से आपका लखीमपुर जाते हैं और इस साइड से आपका क्या ईटानगर, और इस साइड से 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर है, और उसके पहले ही ईटानगर पहुँचने से पहले पहले एक रास्ता नीचे से आया है, सिलापत्थर बांडोडा पहुँचता है। तो दामबुक करके जो हम लोग जिस जगह में जाने वाले, वो जगह बहुत लोगों को बोला है, तो उन लोगों ने दोईमुख बोला है, दोईमुख तो मैंने सुना है, दामबुक जगह उन लोगों ने सुना ही नहीं है। तो ईटानगर, इससे मैंने तो सोचा था कि सिर्फ अरुणाचल घुसने से वो सब कुछ मिल जाएगा, बट ईटानगर अलग रास्ता है, ये लखीमपुर से लेके ये दामबुक अलग रास्ता है, तो पता नहीं क्या है, बट हम लोग ऐसे ही आना पड़ रहा है क्योंकि ये तुतेली एक नया रास्ता है हम लोग के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइज, ये लखीमपुर जाने वाला रास्ता है, लखीमपुर हम लोग जा रहे हैं अभी, और इस साइड से जाके बंडरडुआ पहुँचेंगे, तो बंडरडुआ से हम लोग को और जाना पड़ेगा। तो अभी लगभग 325 किलोमीटर दामबुक तक है, यहाँ पे मैप में शो कर रहा है, तो मैप के भरोसे में ही आ रहा हूँ, 325 किलोमीटर है, क्योंकि इससे पहली बार आया नहीं था तो इसलिए कुछ अता पता नहीं है। 12:40 AM दिखा रहे हैं, मतलब अभी 5:50 हुआ है, तो और 7 आवर्स, लगभग 7 आवर्स के आसपास लगेगा, तो रात के 12:50 को पहुँचेंगे दिखा रहे हैं। देखते हैं, अगर रास्ता का कंडीशन अच्छा हो तो उसे एक डेढ़ घंटा पहले भी पहुंच सकते हैं, पर अभी मैप के थ्रू 7 आवर्स दिखा रहे हैं। तो आपको, आप लोगों को जैसे पता होगा, कलरफुल नॉर्थ ईस्ट रोड ट्रिप में आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कल्चर का चीज़ें मिलेगा। तो हम लोग का असम में अभी श्री कृष्णा का रासलीला का अभी कल्चर चल रहा है, एक मूवमेंट चल रहा है अभी, भावना श्री कृष्णा का और रासलीला चल रहा है। तो वही रास्ते में हम लोग जब जा रहे थे, तो ये दुबिया करके एक जगह है जहाँ पे ये रासलीला हो रहा है, गाइज अभी हम लोग आके पहुँचे एक जगह जहाँ पे ये है नारायणपुर, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का अंदर में है नारायणपुर, और हम लोग मैप के थ्रू में आ रहे थे, तो मैप के थ्रू इस साइड जाने के लिए दिखा रहे थे, फिर हम लोग यू टर्न मार के आए हैं, अभी जाके यहाँ पे बोर्ड पे दिखा है बंडरडुआ दिस साइड राइट, हम लोग अपोजिट साइड से आ रहे थे, तो हम लोग को मैप सीधा लेके आ गए, बट वो लेफ्ट साइड में ही जाने से बंडरडुआ मिलेगा, तो इसीलिए अभी हम लोग
राइट साइड में यू टर्न मार के आया, तो आते वक्त हम लोग का लेफ्ट साइड था, अभी हम लोग इस साइड से आया तो राइट साइड हम लोग को अभी जाना पड़ेगा। सीरियसली मैं आपके थ्रू कभी कभार इतना मतलब खतरनाक होता है गलत, कोई बात नहीं, कभी नहीं आने वाला जगह, कभी नहीं आने वाला रास्ता आ जाके मतलब एक वो हो जाएगा, पहचान हो जाएगा, तो आगे कभी दिक्कत और नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं, अभी भी और 310 किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ पे, 6 hours 19 minutes 12:41 मॉर्निंग को। क्या होगा। तो कार में ही आपका कॉफ़ी, थोड़ा फ्लास्क में हॉट वाटर था तो ब्लैक कॉफ़ी बना के पी लिया है, क्योंकि थोड़ा ठंडा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो थोड़ा शाम को ऐसे चाय कॉफ़ी कुछ पीने का मन होता ही है, तो सब कुछ इस बार जुगाड़ करके लाया हूँ, फ्लास्क, हॉट वाटर, कप, ब्लैक कॉफ़ी, ऐसे वेट कॉफ़ी तो पीता ही हूँ, दिखाया भी है क्योंकि ठंडा बहुत है, तो ब्लैक कॉफ़ी पी के अभी जाते हैं। चलिए, तो फाइनली हम लोग थोड़ा एक मिनट पहले बांडरडुआ पुलिस स्टेशन क्रॉस करके आए हैं, जो अरुणाचल में है, तो हम लोग फाइनली बांडरडुआ में घुस गया है। देखिए अरुणाचल प्रदेश बांडरडुआ, तो ये बॉर्डर है आसाम और अरुणाचल प्रदेश का। तो अभी भी आपका 186 किलोमीटर जाने के लिए तेल है, बट स्टिल हम लोग का जो डेस्टिनेशन है उसमें पहुँचने के लिए अभी भी आपका 269 किलोमीटर है, लगभग और 100 किलोमीटर जैसा जाने के लिए तेल भराना पड़ेगा फ्यूल। तो ओके, इससे जो क्लोज है क्या, क्लोज है शायद इससे, ओके तो पैक करना पड़ेगा, और नहीं बंद है शायद, लोग ही नहीं है दिखा है, खुला होने से लो होगा था ना, नहीं बंद है शायद, आई थिंक यहाँ पे नहीं, आगे और देखना पड़ेगा। चलिए आगे जाते हैं, अभी हम लोग अरुणाचल का ये जो चेक पोस्ट है यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो हम लोग इस साइड से अरुणाचल जाना पड़ेगा इस साइड से, तो यहाँ पे लिखा है वेलकम टू ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, इस साइड में, और इस साइड में टूरिज्म लोग के लिए भी कुछ लिखा हुआ है, वेलकम टू टूरिस्ट लाइक देखना। तो फाइनली हम लोग अरुणाचल में एंट्री करने वाले है, मतलब यहाँ से मे बी शायद अरुणाचल है, धेमाजी ही लिखा हुआ है, बट इस साइड से इंडिकेशन दिया हुआ है कि इस साइड से आप अरुणाचल, ये है रुकसिन करके एक प्लेस है, रुकसिन करके एक प्लेस है, धेमाजी के ही, धेमाजी डिस्ट्रिक्ट का ही एक जगह है, बट हाँ इस वे से आप अरुणाचल जा सकते हैं। हम तो अभी हम लोग इस वे से और लगभग ऑरेंज फेस्टिवल तक हम लोग का भी 96 किलोमीटर बाकी है। ओके, अरुणाचल पुलिस लिखा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश पुलिस लिखा हुआ है ना, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। तो एक्चुअली आज हम लोग का काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन, एक्चुअली कन्फ्यूजन नहीं, ये क्या है, हम लोग फर्स्ट आए हैं और अरुणाचल एक इतना बड़ा स्टेट है, आप काफ़ी जगहों से इसको एंट्री कर सकते हैं, जैसे आप पकड़ लीजिए तिनसुकिया साइड से भी एंट्री कर सकते हैं, आप तेजपुर साइड से भी एंट्री कर सकते हैं, नॉर्थ लखीमपुर, अभी हम लोग नॉर्थ लखीमपुर साइड से आ रहे थे, तो इसीलिए मतलब हाँ, क्योंकि बहुत बड़ा एक बाउंड्री और एरिया है नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल प्रदेश में। तो चलिए अभी जाते रहते हैं, और 95 किलोमीटर अभी बाकी है। तो गाइस अभी हम लोग आके राइट टर्न लिया है काफ़ी दूर आने के बाद, अभी भी लगभग 56 किलोमीटर है, और अभी ये दूर से हम लोग को रात को कुछ दिख नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा है हैंगिंग ब्रिज टाइप का कुछ, बट पता नहीं हैंगिंग ब्रिज है ना क्या चीज़ है, बट काफ़ी मतलब अच्छा वाला कोई, जैसे हम लोग का ब्रह्मपुत्र ब्रिज के ऊपर कुछ है ना ऐसा है, पासीघाट ब्रिज, ओके पासीघाट ब्रिज है, राजीव गांधी, श्री राजीव गांधी, ओके राजीव गांधी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था एक समय पे, उसका डेट भी लिखा हुआ है शायद उस साइड में, मैं एक बार देख यहाँ से ही गाड़ी से ही देखता हूँ, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दिनांक, ओके 1988 में श्री राजीव गांधी जी ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी ने 1988 में इस ब्रिज को इनॉग्रेट किया था। वाओ सीरियसली बहुत बड़ा बात है, मतलब
1988 का ब्रिज है ये, इसीलिए मुझे दूर से दिखने से कुछ लग रहा है ऐसा। ये भी देखिए स्कॉर्पियो गुजरा है, इसलिए मुझे बाय बाय कर रहा है शायद, क्या कर रहा है पता नहीं। वाओ, इसीलिए मैं दूर से दिख रहा हूँ, इतना लाइट है क्या चीज है, मुझे रात में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। दिखाई कैसा है उस समय हम लोग का, क्योंकि आसाम और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट और चाइना के बॉर्डर आगरा में काफ़ी इश्यूज होता था, तो इसलिए हम लोग का जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी एक अच्छा होना ज़रूरी था, तो इसीलिए हम लोग का जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी था राजीव गांधी जी, उन्होंने ये चीज़ इनॉग्रेट किया था 1988 में। बहुत बड़ा है अरुणाचल, बहुत बड़ा जगह है, बहुत बड़ा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का, इसीलिए बहुत जगह है जाने वाला। मतलब अभी हम लोग दामबुक लगा दिया है, बट कहीं मुझे उसमें दिखाई नहीं दे रहा, एक भी जो रोड साइन बोर्ड है ना उसमें दामबुक कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखते एक बार दामबुक है क्या, कुछ नामसाई है 174 किलोमीटर। सो गाइस अभी रात के 11:57 मतलब लगभग 12 बजने के लिए अभी 3 मिनट बाकी है, और ये हम लोग धीरे धीरे से जो मेन लोकेशन है शायद वो पहुंचने वाले हैं। मैप में तो 38 किलोमीटर दिखा रहा है, बट ऐसा लग रहा है क्योंकि ये पूरा एरिया पहाड़ से साइड दोनों तरफ मतलब पहाड़ से पूरा घिरा हुआ है, और बीच का ये जो रास्ता है काफ़ी कर्वी है। तो बीच में मुझे एक गाड़ी मिला था मतलब क्रॉस किए हुए, वो भी आसाम का गाड़ी ही था, AS07 वाला, और कुछ भी नहीं है, ना इंसान है ना गाड़ी है, पूरा पहाड़ के थोड़ा देर पहले मतलब यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर पहले प्लेन एरिया था, दुकान था वहाँ पे, तो वहाँ पे पूछा था तो इस रास्ते के बारे में ही बताया है ऐसे मिलेगा करके। तो फाइनली दामबुक दिखा है फाइनली, मतलब अभी 22 किलोमीटर है, और इस रोइंग नामसाई 159 किलोमीटर, और तिनसुकिया है 154 किलोमीटर। तो फाइनली कम से कम दिख तो गया दामबुक यार, सच में जैसे आ रहे थे ना, ऊपर से फ्यूल भी कम है टैंक में, तो यहाँ पे अंदर में मुझे एक भी पेट्रोल पंप तो इस साइड में दिखा नहीं है, आगे अगर मिल गया तो अच्छा है। तो एक घबराहट हो रहा था क्योंकि जेडी के नगर भी नहीं है मेरे पास तेल वो करने वाला, कुछ भी नहीं है, तो फ्यूल भी कम है बहुत, तो डर हो रहा था। पर अभी कम से कम एक सुकून मिला कि हाँ 22 किलोमीटर के बाद मिल जाएंगे डेस्टिनेशन, वहाँ पे जाके कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ओके, गाइस उस साइड में पूरा रास्ता ब्लॉक, ये नीचे में देखिए उस साइड में ये पूरा पत्थर से रास्ता पूरा ब्लॉक है, और ये रास्ता जंगल से घिरा हुआ था, देखा ही नहीं था। हम लोग तो चले गए उधर, उधर चल के वहाँ पे रास्ता पूरा बंद है, रास्ता पूरा बंद है, और नीचे पूरा खाई है, और ये वाला रास्ता पूरा ब्लॉक करके रखा है पत्थर से, जैसे लैंडस्लाइड हुआ जैसे। ये देखिए पीछे में उस साइड में, बाद में हम लोगों ने ये रास्ता जंगल से घिरा हुआ था, और गाड़ी का दूसरा गाड़ी का रोशनी देखा तब जाके हम लोगों ने किया है। तो फाइनली एक बोर्ड दिखा है जिपोंग, वो तो ऑरेंज लगा हुआ है, वो ऑरेंज फेस्टिवल का लोगो है, और नीचे में लिखा है जिपोंग इको टूरिस्ट लॉज, शायद इस रास्ते से जाने से शायद कुछ लॉज वगैरह इन लोगों का बनाया हुआ है शायद कैंपिंग टाइप का, इधर आगे हो सकते हैं पता नहीं। और मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र है मेरा गाड़ी का फ्यूल नहीं है, सिर्फ 59 किलोमीटर तक जाने के लिए फ्यूल है, और अभी भी हम लोग को पहुँचने के लिए 7 किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर ऐसा जाने के लिए फ्यूल बचेगा। यहाँ पे ऑयल डिपो ना मिलने से हो गया है, लेंटर लग गया मेरा, फेस्टिवल करके तो कुछ बोर्ड वगैरह होना चाहिए ना। तो फाइनली हम लोग लोकेशन पहुँच गए हैं काफ़ी दूर आने के बाद, बट अभी तक मेरा तेल का तो जुगाड़ हो नहीं पाया। यहाँ पे काफ़ी सारा कैंप साइट है दोनों तरफ, और दूर से कैंप साइट है। वेलकम्स यू ऑल ऑरेंज फेस्टिवल, यस दिस वन इज द मेन गेट, एंड विल लाइक ऐसे ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही, टू माय लैंड ऑफ ऑरेंजेस वेलकम्स यू ऑल।
हूँ।